कोरोना से जंग लड़ रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों पर पड़ रही है। इन मजदूरों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कई दानवीरों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने पहल की शुरुआत की, दूदू में कोई भूखा नहीं सोएगा। विधायक ने सबसे पहले अपना एक महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया, जिसके बाद नागर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर 1,00,000 रुपए के मास्क और सैनिटाइजर मंगवाए और विधायक कोष से 2,00,00,000 रुपए की राशन सामग्री के लिए सीएम से डिमांड की। किसी को भूखा नहीं सोने देंगे और जनता से भी अपील करी कि अपने पड़ोसी का ध्यान रखें। और आज इस बात की प्रसन्नता है, करीब 2,00,00,000 रुपए हमने दूदू और फागी के भामाशाहों से इस लॉकडाउन में। दूदू में विधायक बाबूलाल नागर ने दूदू विधानसभा के उद्यमियों और भामाशाहों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक की और बैठक में नागर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में मैं दूदू की जनता के लिए आपसे भीख मांग रहा हूं। जिसके बाद एक एक करके भामाशाह आगे आए और आपदा समन्वय समिति का गठन किया गया। धीरे धीरे भामाशाहों से करीब 2,00,00,000 रुपए इकट्ठा हो गए, जिनमें 70,000 फूड पैकेट बनाए गए। पहले चरण में दूदू फागी और मौजमाबाद पंचायत समितियों में 21,000 फूड पैकेट बांट भी दिए गए। हमने 70,000 फूड पैकेट करने का निर्देश दिए हैं और 21,000 फूड पैकेट का पहला चरण हमने बंटवा दिया है। दूसरा चरण हम 17, 18, 19, 20 तारीख तक दूदू और मौजमाबाद पंचायत समिति और फागी पंचायत समिति में बंटवाएंगे। एसडीएम राजेंद्र सिंह ने ग्राम विकास अधिकारी और पटवार के जरिए 3 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में घुमंतू जाति के लोगों को 3 बार राशन दिया जाएगा और दूसरी कैटेगरी में बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को शामिल किया गया। तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इनको 1 बार राशन सामग्री वितरित की जाएगी और अब दूसरे चरण की सामग्री 18 अप्रैल से बांटी जाएगी। माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार हमने उन गरीब परिवारों का चयन कर लिया जिन परिवारों को इस लॉकडाउन के दौरान राशन पानी की समस्या थी। हमें पहले ही अंदेशा था कि लॉकडाउन लंबे समय तक चल सकता है, तो हमने पहले से ही 30 मई तक का हमारी कार्य योजना में शामिल कर लिया। हमने बाकायदा ग्राम सेवक और पटवारी के माध्यम से जितनी भी ग्राम पंचायतें थी उनमें 3 कैटेगरी बनाई। ग्रामीण विधायक बाबूलाल नागर की पहल की काफी सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन में कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं रहेगा। हमारे विधायक बाबूलाल नागर साहब की बहुत सराहनीय और बहुत साधुवाद करते हैं हम इस चीज़ के लिए कि उनकी पहल के ऊपर दूदू विधानसभा के समस्त भामाशाहों ने अपना योगदान दिया। बहुत अच्छे स्थिति के ऊपर, बहुत अच्छे स्तर पर एक भामाशाहों ने एक रकम इकट्ठी की, पूरा सहयोग दिया। कि नागर साहब ने जो पहल की है वह एक सराहनीय और बेहतरीन पहल है। उन्होंने भामाशाहों के माध्यम से जिस प्रकार राशन सामग्री के लिए चंदा या पैसा इकट्ठा किया है और उन्होंने जो पैसा लगाया वह सही रास्ते में लगाया, गरीबों की मदद के लिए किया है। कई भामाशाह ऐसे हैं जो खुद अपनी पंचायत में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में गंगाती कला गांव में भामाशाह बिरदी चंद अहलावत अपनी पंचायत में जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रहे हैं। लगभग 125 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में बिल्कुल खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और उनकी व्यवस्था हम कर रहे भी हैं। मतलब खाद्य सामग्री मैंने दोबारा करीब करीब कुछ लोगों के पास में तो दोबारा पहुंच गई और उनकी खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो रही है। कोरोना से लड़ने के लिए हर कोई तन मन धन से सहयोग कर रहा है। जी मीडिया भी आपसे बार बार अपील करता है कि आप लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहें, सरकार के निर्देशों की पालना करें ताकि हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकें। अमित यादव, जी मीडिया, दूदू।